नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जिस प्रकार कान के पास भिन बनाता हुआ मच्छर यही समझता है कि उससे बड़ा बांसुरी वादक कोई नहीं है, ठीक उसी तरह पाक में अजान देता मुल्ला भी यही सोचता है कि उसके पिछवाड़े से ज्यादा दम किसी दूसरे में नहीं है। उसे यही लगता है कि 5 मील तक बंबू की आवाज नहीं, उसकी ही आवाज जा रही है। कुछ यही हालत तशरीफ पर कैक्टस बांधकर घूम रहे पाक के हुक्मरानों की है। तैमंद हीरा मंडी की बालकनी में लटके हैं, मगर इन्हें आभास न्यूयॉर्क में सोने का हो रहा है। यह ठीक उसी तरह के ख्वाब है जैसे 70 साल का बूढ़ा 54 प्रास खाकर अगली सुबह चिनाब नदी को तैरकर पार करने चल पड़ता है। यानी जिसने 50 दिनों से भैंस की जुगाली से दाढ़ी बनाई हो, वह बार बार को नया फैशन समझा रहा है। अब जिन लोगों के पल्ले यह तमाम विवरण नहीं पड़ा हो, वे इस ख्वाब दिन को सुन सकते हैं। इसे सुनकर पाकिस्तानियों ने गधिया नृत्य के सारे कीर्तिमान तोड़ डाले हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तान के इस ख्वाब दिन का ये वीडियो। न्यूयॉर्क की तरफ से न्यूयॉर्क शहर का गवर्नर कहता है कि पाकिस्तान में जो कॉन्टेक्ट ट्रैकिंग और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के ऊपर स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट आप लेके आए थे, न्यूयॉर्क उसको फॉलो करने जा रहे हैं। कंसेप्ट आप लेके आए थे, न्यूयॉर्क उसको फॉलो करने। देखिए, मदरसा पैदा इसकी जीभ और बेगम के जुड़े में लगी रबड़ को बस एक ही काम रह गया है, जितनी चाहे खींचे और जितनी चाहे बकैती करे। ये ख्वाब दिन जिस कराची मॉडल को तैमंदबाजों के सामने फेंक रहे हैं, उन न्यूयॉर्क और कराची की दोनों तस्वीर देख लेनी चाहिए। इस तस्वीर में एक तरफ कराची है जहां मदरसा कौम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही है, जबकि दूसरी तरफ न्यूयॉर्क है जहां पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। पर मामला इससे भी आगे है। पाकिस्तान में संक्रमितों का आंकड़ा 38,800 पर जा पहुंचा है, जबकि 834 टोपीबाज हुरों की खोज में प्रस्थान कर गए हैं। यहां पर कोरोना ने जो कहर ढाया है उसका असर पूरे पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। अब जरा इसका भी एक विश्लेषण कर लेते हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। यह नजर से बचाने का ही कमाल है, जिसके बाद इमरान सरकार ने टेस्टिंग की संख्या नहीं बढ़ाई है। अगर इमरान खान टेस्टिंग में इजाफा कर दे तो कोरोना की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि हर 100 में से 19 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, जिसके बाद इमरान खान 3 से 4 हजार टेस्ट ही रोज करा पा रहे हैं। अन्यथा 23 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ से ज्यादा टोपीबाज संक्रमित निकल जाएंगे। ऊपर से सरकारी आंकड़ों में जिस घाटे को दिखाया गया था वो वर्तमान में 7.4 से बढ़कर 9.4% तक जा पहुंचा है। पाकिस्तान में गरीबी की दर 24.3% से बढ़कर 29% तक जा पहुंची है, जिसके 33.5% तक जाने की आशंका जताई जा रही है। 30 लाख लोग अपनी जॉब से हाथ धो चुके हैं, इसमें से 10 लाख औद्योगिक तो 20 लाख लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। वहीं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के मुताबिक देश में नौकरियां खोने वाले की संख्या 1.8 करोड़ हो चुकी है। पर बावजूद इसके कंगाल मुल्क में खुद की तुलना न्यूयॉर्क से करके तैमन छापो को बकरी को दान कराया जा रहा है। टैक्स कलेक्शन 16% से नीचे गिर चुका है और एक्सपोर्ट $4 बिलियन कम हो गया है, मगर जीभ की बढ़कर रबड़ से भी लंबी हुई जाती है। जनता को बताया जा रहा है कि अमेरिका की कंपनी ने पाकिस्तान के साथ मिलकर रेमडेसिविर दवाई बनाने का समझौता किया है। यानी जो देश विटामिन और डिस्प्रिन की गोलियां भी भारत से खरीदता है, वह देश रेमडेसिविर बनाएगा। पर यह इतनी बकैती ना करते तो भारत इन्हें धक्का क्यों देता। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।